हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। कैसे हो बच्चों? आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल इंडेक्सिंग की। एंड मैथमेटिकल इंडेक्सिंग क्या होता है? बहुत ही बेसिक सी चीज है जिसको आपको आज प्रूफ करना है। कई रिजल्ट्स दिए गए होते हैं, उसको मैथमेटिकल इंडेक्सिंग के मेथड से प्रूफ करना होता है। तो बेसिकली ये मेथड क्या है दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। व्हाट इज सो कॉल्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दिस मेथड इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या है कि इंडक्शन का मतलब होता है कि शुरुआत से, फ्रॉम ए वी इनिशियो, जस्ट फ्रॉम बिगिनिंग। सो किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को डिराइव करने का तरीका क्या है? यूजुअली आप घर में देखे होंगे, घर में खाना पकाते हुए, और घर में जैसे आप यहाँ सब्जी बनती है, तो सब्जी का जब कैसे पता चलता है आपकी मम्मी को कि भाई सब्जी बन गया कि नहीं बन गया? वो क्या करते हैं कि सब्जी या चावल या जो कुछ भी बनता है, तो उसमें से एक आइटम को लेकर के और दबा करके, पूस करके देखा जाता है कि वो बना है कि नहीं बना है। फिर बीच में से कोई एक और भी आइटम देख लिया जाता है कि वो भी बन गया है, पक गया है कि नहीं पक गया है। अगर पक गया है तो हम ये समझ लेते हैं कि पूरी की पूरी सब्जी पक गई। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या है कि जितने भी रिजल्ट्स प्रूफ करने होते हैं वो नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ करने होते हैं, और आपको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो सबसे पहले हम 1 के लिए प्रूफ कर देते हैं कि ये वैलिड। फिर किसी आर्बिट्ररी नेचुरल नंबर के लिए हम मान लेते हैं कि यह सही है, और उस रिजल्ट का इस्तेमाल करके दिखा देते हैं कि उसके बाद वाला भी नेचुरल नंबर के लिए ये सही है। तो चूंकि अगर वो जिसने हमने माना हुआ है, सपोज किया हुआ है, उसके बाद वाला भी सही है, इसका मतलब पहले वाला सही था तभी तो बाद वाला सही हुआ। इसलिए अब हम कह पाते हैं कि ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो इसमें क्या होता है कि एक कोई भी फंक्शन दिया जाता है और उसको हमें प्रूफ करना होता है। जैसे मान लीजिए, सबसे छोटा सा एग्जांपल से, क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, इसमें कोई बहुत थ्योरी की बात नहीं है। ये क्वेश्चन है कि प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + up to n तक ये नेचुरल नंबर है, और आपको पता है कि नेचुरल नंबर का सम n × n + 1/2 होता है। अब इसी बात को हमें प्रूफ करना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो ये है n × n + 1/2। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले ये है LHS, ये है RHS। LHS में ये कहा जा रहा है कि अगर n तक का नेचुरल नंबर हो तो उसका सम n × n + 1/2 होगा। तो नेचुरल नंबर फॉर ऑल, क्वेश्चन में लिखा होता है कि फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फॉर ऑल एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल, फॉर ऑल नेचुरल, राइट। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि लिखेंगे कि पुट एन इज इक्वल टू 1। अगर हम एन को 1 पुट कर ले सबसे पहले और देखें कि क्या है एन को, तो पुट कर लिया फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1, तो इधर में एन को 1 रखोगे और इधर में भी n को 1 रखोगे, तो 1 × 1 + 1/2। सो ये कहेंगे कि ये 1 है और इधर 1 × 2/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस तरह से आ गया, LHS में भी आ गया 1 और RHS में भी आ गया 1। सो विच इज ट्रू, ये क्या है, ट्रू फॉर, ट्रू फॉर व्हाट, n इज इक्वल टू n = 1 के लिए ये क्या है, सही है। इसी बात को कुछ लोग इस पूरी चीज को, इस पूरी फंक्शन को, पी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन n तक का फंक्शन है तो इसको pn से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे कि pn के बराबर है।
अब वन के लिए सही है, इनके जगह पे वन रखा है, तो हम कह सकते हैं कि P1H ट्रू, ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो ऐसे भी कह दीजिए या ये कहिए। अब ये हम मान लेते हैं कि किसी और नेचुरल नंबर के लिए ये सही है, कि P1 तो सही है, पहला नेचुरल नंबर के लिए सही है। लेट इट बी ट्रू फॉर, लेट इट बी ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर, एनी अदर नेचुरल नंबर m, एनी अदर m बिलोंग टू n। इट इज ट्रू फॉर वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर, वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर ये m के लिए सही है तो 1 + 2 + 3 + 4 से m तक के एक्सप्रेशन को जहां जहां n है वहां वहां हमें m लिखना पड़ेगा, m इंटू एम प्लस 1/2, और इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। इसी बात को चूंकि ये pm तक लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे लिखना जरूरी नहीं है बट ऐसे भी लिख सकते हैं कि pm इज इक्वल टू m इंटू एम प्लस 1/2। तो अगला नेचुरल नंबर के लिए जब आपको प्रूफ करना होगा देन यू नीड टू नाउ PM+1, राइट ना। अगर हम PM+1 लिखें तो क्या होना चाहिए बताइए। वी हैव टू शो दैट इट इज ट्रू फॉर, क्या करना है ये अंदर की बात है बट लिख देते हैं, वी हैव टू शो दैट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस वन। एंड इसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जहां जहां m है वहां वहां m प्लस 1 आएगा, दैट इज pm प्लस 1 इक्विवेलेंट टू क्या होगा 1 2 3 4 से लेकर के m, और m के बाद वाला टर्म क्या होगा m प्लस 1। और इधर भी जहां जहां m है वहां वहां आना चाहिए m प्लस 1, तो इस m के जगह पे m प्लस 1, इस m के जगह पे m प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 1 मिलके m प्लस 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमें दिखाना है। अब इसमें LHS का इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ LHS इज PM प्लस 1 के बदले क्या है, इक्विवेलेंट टू 1 + 2 + 3 + ……4 + m + m+1। ये है, ये हमें लाना है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर 1 से लेके m तक का सम, यहां पे ऊपर देखिए लिखा हुआ है 1 से लेके m तक के सम के बदले m इंटू एम प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट m इंटू एम प्लस 1/2, और यहां पर एक m प्लस 1 फालतू है ये भी लिख देंगे। और किसकी मदद से ये लिखा है, तो यूजिंग 1, ये जरूर लिखना कि हमने 1 की मदद से लिखा है। 1 से m तक का सम जो होता है वो m इंटू एम प्लस 1/2 होता है, तो ये हमने इस्तेमाल किया हुआ है। सो अब इसमें से m प्लस 1 कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, m प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहां से मिल जाएगा m बाई 2 और यहां से 1 मिल जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, m प्लस 1 और ये हो गया m प्लस 2 और होल डिवाइडेड बाई 2। देखो यही RHS था, यही RHS था ना, m प्लस 1 इंटू एम प्लस 2/2, एंड दिस इज व्हाट RHS। इसका मतलब क्या हुआ, दस दिस एक्सप्रेशन दिस इज ट्रू फॉर फॉर n इज इक्वल टू एम प्लस 1, और n इज इक्वल टू एम प्लस 1 है, हमने कौन सा रिजल्ट इसमें इस्तेमाल किया है, ये रिजल्ट इस्तेमाल किया है, और ये रिजल्ट क्या है, m के लिए है। अगर ये m प्लस 1 के लिए सही है तो ये इसका मतलब है कि पहले जो हमने ज़ूम किया था m के लिए वो भी सही था, और m हमने किसके लिए ज़ूम किया था, एनी नेचुरल नंबर, m क्या था, एनी नेचुरल नंबर, m वाज एनी नेचुरल नंबर, ये कोई भी नेचुरल नंबर के लिए हमने ज़ूम किया था। इसका मतलब m किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सही है, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सही है। एंड देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर फॉर ऑल नेचुरल नंबर, इसी नेचुरल नंबर का मतलब ऑल n बिलोंग टू n, ऑल नेचुरल नंबर के लिए सही है। एंड
हेंस वी कैन राइट 1 + 2 + 3 + 4, ये रिजल्ट जो है वो एन तक n(n+1/2) होगा ना। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज इज, दिस इज एक्सरसाइज 4.1 ऑफ एनसीईआरटी एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम हियर ओनली। सो प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन इज रिटन लाइक दिस, क्वेश्चन इज गिवन दैट, क्वेश्चन विल बी लेटर बट इंस्ट्रक्शन इज गिवन। प्रूव द फॉलोइंग by using principle of mathematical induction for all induction for all n belong to n. This is what, for all n belong to n. The first question which is given is 1 + 3 + 3 square, like this up to 3 to the power n minus 1, and that is 3 to the power n minus 1 upon 2. This is sum of GP and sum of GP of n term. So using the sum of GP of n term we can prove it, but still we have to prove it by mathematical induction. So what we can do, we can assume this, let Pn is equal to what, Pn is equal to 1 + 3 + 3 square, so like this, that is 3 to the power n minus 1, and this is Pn. So this is equivalent to Pn, this is just mentioned as Pn, and this is equal to 3 to the power n minus 1 by 2. Yeah, equivalent ka sign is liye diya hai ki equal to ka sign do nahi de sakte. Now for n is equal to 1, if I put for n is equal to 1, for n is equal to 1, what will happen, n is equal to 1, this will be 3 to the power 1 minus 1, this will be 3 to the power 1 minus 1 upon 2, 3 to the power 0, and this is 3 minus 1, 2 by 2. So 1 is equal to 1, which is true. Similar, every question you have to write the same steps. So P1 is true, therefore P1 is true. That means this is true for n is equal to 1. Now let it be true for, it be true for any natural number m belong to n, right? So what will happen, in place of n you need to write m, so therefore 1 + 3 + 3 square up to 3 to the power m minus 1 is equal to 3 to the power m minus 1 upon 2, and that is equivalent to what, Pn. We can write it like this. So this is first result. Now we have to show that Pm plus 1 is also true. So therefore Pm plus 1, now Pm plus 1 is equivalent to what, 1 plus 3 plus 3 square, and that will be 3m plus 1 minus 1, that is m minus 1, this first step, and next step must be 3 to the power m. And in place of m, what we have to prove it, that this will be 3 to the power m plus 1 minus 1, that we have to prove it, 3 to the power m minus 1 upon 2. This we need to show. We have to show this. So, if I am not writing here that we have to show this, then this part we can not write, and we will write like this, Pm plus 1 is this. Now, using the fact from the first one, we can write here, in place of 3 to the power 1, 3, 3 square up to 3 to the power m minus 1, we can write from here to here, this is what we have given, this one, we can write this expression. So that is why we can write here 3 to the power m minus 1
इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट 3 टू द पावर m रिजल्ट इज दिस 3 टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 टू द पावर m. दैट कैन बी रिटन एज फर्दर 3 टू द पावर m माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 2 एंड वी कैन राइट इट अगेन एज 3 to the power 2 times of 3 to the power m plus 3 to the power m is 3 times of 3 to the power m minus 1 upon 2. And because this is power 1, so it can be written as 3 to the power m minus 1 upon 2. So you have seen here that wherever there was an m, now it is m plus 1. There was m and at this place there is m plus 1. So clearly, it is true for clearly language I am changing it is true for n is equal to m plus 1 or you can write it is true for p m plus 1 is true or p m plus 1 is true. Now hence by principle of mathematical induction it is true for hence by principle of mathematical induction mathematical induction induction it is true for all n belong to n. This is what the proof and that you need to do this. So what was the result? The result was 1 plus 3 plus 3 square in last you can write it 3 to the power n minus 1 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 by 2 for all belong to n belong to n. This is what proved. Okay, I hope so you got it. Now question number 2, I am looking for question number 2. What is that? Try to understand. This is question number 2. I am looking for question number 2. So question number 2 is there. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube is equal to n into n plus 1 by 2 whole square. That is the result for all n belong to. And this is what written in the beginning of the question. So again here, the same process you need to follow. Put n is equal to 1. You can write like this also. N is equal to 1. Then it will be a 1 cube 1 into 1 plus 1 by 2 whole square. And 1 cube is 1. And that is 1 plus 1, 2 by 2, 1, 1 square. So that will be also 1, which is 1 is equal to 1. And therefore, it is true for or n is equal to 1. Without writing this like pn and pm, you can prove it also. There is no problem. Now again, you will write the same dialogue. Let it is true for some natural number m, some natural number m belong to n. So the result would be 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to what? M cube is equal to m into m plus 1 by 2 whole square. This is equation first. Now we have to show that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to m cube plus m plus 1 cube. One step more. And in place of m, it will be m plus 1 into m plus 2 whole divided by 2 whole square. That we have to show to prove by mathematical induction. We have to show like this. So again, LHS can be taken as LHS 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to
एम क्यू एंड एम प्लस वन होल क्यू. सो अप टू एम क्यू वी कैन यूज दिस रिजल्ट. एंड व्हाट इज दैट? एम इंटू एम प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, इजंट इट? दैट इज प्लस एम प्लस वन होल क्यू यूजिंग वन, यूजिंग वन, इजंट इट? सो आई हैव यूज वन. नाउ आई कैन टेक एम प्लस वन होल स्क्वायर, एम स्क्वायर एम प्लस वन होल स्क्वायर. सो आई कैन टेक एम प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन फ्रॉम हियर. एम प्लस वन होल स्क्वायर इफ आई वुड हैव टेकन कॉमन देन दैट विल बी एम स्क्वायर बाई फोर एंड दैट विल बी एम प्लस वन होल क्यू. सो नाउ आई कैन टेक एम प्लस वन होल स्क्वायर एज कॉमन देन वॉट विल हैपन? एम प्लस वन होल स्क्वायर इफ आई वुड टेक कॉमन देन दैट विल बी एम स्क्वायर बाई फोर प्लस एम प्लस वन, बिकॉज एम प्लस वन होल स्क्वायर हैज बीन टेकन कॉमन. सो ओनली एम प्लस वन विल लेफ्ट. Now m plus 1 whole square has been taken common. Now inside the bracket if I'll take LCM that will be multiplied by 4. So 4m plus 4 divided by 4, isn't it? And that is also nothing else but m plus 1 whole square, and that is nothing else but m plus 2 whole square divided by 4. Further this can be written as m plus 1 m plus 2 divided by 2 whole square, isn't it? And we can write like this. So wherever there was n, there was m, now there is m plus 1. So clearly it is true for n is equal to, clearly it is true for n is equal to m plus 1, and hence by principle of mathematical induction, it is true for all n belonging to natural number. That's the proof. Now we can take one more question now. And this is question number 3. What is that? Question is like 1 plus 1 plus 2. Then again 1 plus 2 plus 3. Then again what will come? 1 plus 2 plus 3 plus 4, like that. And in the same way, this is up to 1 plus 2 plus 3 up to n. And what is the result? 2n upon n plus 1. This is what the result we are going to prove. So again, we can take a start from LHS. This is said to be, let's put n is equal to 1. So what will happen? This will be n, wherever there is n. In this all expression, there is no n. N is only here, and put n is equal to 1. So you need to write up to n, means n is 1. So you need to write up to 1 only. And that will be 2 into 1 upon 1 plus 1. So this is 1, and 2 into 1, 2 upon 2 is 1, which is true, right? So therefore n is equal to 1 is true. Now we can write again the same dialogue. Let it be true for some natural number m. Right, some natural number n. So what will happen? The same expression can be written as 1 by 2 up to 1 plus 2 plus 3 up to 1 plus 2 plus 3 plus 4, like this, up to 1 upon 1 plus 2 plus 3 up to m is equal to 2m upon m plus 1. Wherever there was n, you need to write. And this is said to be question 1, as usual. Now we have to show that, say this is Pm, equivalent to Pm. Now Pm plus 1 is what? 1 plus 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, like this, up to 1 plus 2 plus 3 up to m,
एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी 1 + 2 + 3 अप टू m+1, इजेंट इट अप टू m+1. सो फॉर दिस वन टिल हियर वी कैन राइट 2m/(m+1) एंड दिस लास्ट स्टेप विल रिमेन सेम, दैट इज 1 + 2 + 3 अप टू m(m+1), बिकॉज द लास्ट स्टेप, दिस स्टेप इज अप टू m, सो लास्ट स्टेप मस्ट बी अप टू m+1. Now we can write it again. This is 2m/(m+1), and this is the sum of m+1 natural number, that is m+1 × m+1 + 1/2. This is what the sum of n natural number. Since sigma n, that is sum of n natural number is n × n+1/2, and this is what I have used here. So if sum of n natural number, that is up to n, then n × n+1/2, this is up to m+1, so m+1 there will be m+1, and that will be also m+1 / 2. So I have written like this. Now the whole thing can be written as again further 2m/(m+1) plus this 2 will come in numerator, and this is m+1, and m+1 + 1 is m+2. Now I can take 2/(m+1) common from both. So if I would take 2/(m+1) common, then what is left here? M left. And what is left here? m+2. So that will come up 2/(m+1). That will be LCM is m² + 2m+1 / m+2. Right? This is nothing else but m+1 whole square. So it can be written as 2 times of m+1, and this is m+1 whole square / m+2. This one and this one cancels out, and what is left? 2 times of m+1 / m+2. This is what, and further it can be written as m+2 can be written as 2 times of m+1 / m+1 + 1, isn't it? m+2 is nothing else but m+1 + 1. So wherever there is an m, there is here m+1 comes up. You know, in place of n, there is m+1. In place of n, there is n+1. So this is true for, clearly, it is true for n is equal to, clearly it is true for n is equal to m+1. Hence, by principle of mathematical inductance, it is true for all n. It is true for all n belong to n. I hope you got it. So that's quite simple. I hope you got it. And now take a break. And after the break, we will discuss some more questions. Till then, you must revise the basics. What you need to do, what you understand, this is simple questions. That first you have to go for n is equal to 1. Why we are proving for n is equal to 1, because natural number starts from 1. So we are just showing that it is true for n is equal to 1. If it is not true for n is equal to 1 even, then no need to proceed it, and this cannot be proved. So since n is equal to 1, it is proved that for n is equal to 1, and now it can be proved for any natural number. And that is the principle of mathematical inductance, that first we will suppose that it is true for n is equal to m, and further we will prove it for n is equal to m+1. If it is true for n is equal to m+1, so we can say it is true for all natural number. So I hope you got it, and now you just revise this, and after break we will do some more questions. Till then, bye bye. God bless.